जी हाँ दोस्तों, ये बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, रात के 12:11 और 12 सेकंड हो चुके हैं, एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। इसके पहले मैं वीडियो बनाया था 11:00 कुछ मिनट पे, तब एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया था, लेकिन रात में यहाँ पे अभी 12:11 हुए हैं, एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल, एप्लीकेशन प्रिंट, हेल्प डेस्क, उसके बगल में एडमिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप मोबाइल में कर रहे हैं तो राइट साइड में जाइएगा 3 डॉट में, और उसके बाद आपको यहाँ पे डेस्कटॉप व्यू में आपको जाना है। इस जगह पे मिलेगा डेस्कटॉप व्यू, उस पर क्लिक करिएगा, आपका फ़ोन डेस्कटॉप व्यू में ओपन हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे आपका एडमिट कार्ड जिस तरह मैंने इस समय डाउनलोड किया था इसके पहले, उसी तरह से यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन पे जाना है, तो क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिखेगा, तब आपको यहाँ पे हियर पे क्लिक करना है। मैंने शायद गलती से एप्लीकेशन प्रिंट वाले पे कर दिया था, इस वजह से ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट हो रहा था। दोस्तों फाइनली एडमिट कार्ड यहाँ पर हमने ओपन कर दिया है। यहाँ पर आप परीक्षा तिथि देख पा रहे होंगे, 15 जून 2023 गुरुवार को आपका एग्ज़ाम होना है। प्रथम पाली 9 बजे से 12 बजे के बीच होगी। इसमें सामान्य ज्ञान और भाषा, अंग्रेजी या हिंदी, दो में से एक आप चूज कर सकते हैं, इसका पेपर होना है। उसके बाद द्वितीय पाली 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटे की ये भी होगी। इसमें आपकी रीजनिंग और उसके बाद आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं। अभ्यर्थी अपने आवंटित परीक्षा केंद्र परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व पहुँचना सुनिश्चित करें। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पश्चात परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा, यानी आधा घंटे तक आप जा सकते हैं, उसके बाद आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। यहाँ पे कुछ और चीज़ें जो हैं जो इम्पॉर्टेंट, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। OMR सीट आपके 3 प्रति में होगी, मूल प्रति विश्वविद्यालय प्रति जिसकी है, द्वितीय प्रति कोषागार प्रति, और तृतीय प्रति आपकी अभ्यर्थी प्रति होगी। तो आपको अपनी प्रति लेके जाना है, 2 प्रति वहाँ पे जमा हो जाएंगी। OMR उत्तर पत्र में भर्ती केवल भाषा एवं चुना हुआ विषय वर्ग अंकित करना अनिवार्य है, जो आप चुने हुए हैं उसी को करना है। प्रत्येक अभ्यर्थी की बायोमेट्रिक उपस्थिति परीक्षा केंद्र के दौरान की जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे परीक्षा में कुछ आपको लेके जाना नहीं है, ये तो सामान्य सी बात है, इसमें कुछ खास है नहीं। कोविड गाइडलाइन का आपको पालन करना है, और यहाँ पे कुछ दिया गया है, नेत्रहीन या श्रुत लेखक हेतु नियमानुसार पात्र अभ्यर्थी 1 दिन पूर्व केंद्राध्यक्ष से मिलकर लेखन सहायक की जानकारी उपलब्ध कराएंगे, अगर वो किसी दूसरे को लेके जाना चाहते हैं लिखने के लिए। अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा में अपने प्रवेश पत्र की डाउनलोड की प्रति, फोटो पहचान पत्र आपको एक लोग लेके जाना है, और उसके बाद अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र की फोटो लगी हुई हस्ताक्षरित प्रति कक्ष निरीक्षक को जमा की जाएगी, यानी एक एडमिट कार्ड आपको जमा किया जाएगा, तो आपको 2 कॉपी लेके जाना है, जिसमें अभ्यर्थी वही फोटो लगाएंगे जो आवेदन पत्र में अपलोड किया गया है। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र की प्रति प्रवेश हो जाने तक सुरक्षित रखेंगे। परीक्षा है तो MR उत्तर पत्र एवं प्रश्न पुस्तिका में समस्त विवरण उत्तर केवल काले बॉल पॉइंट से भरना है, आपको यहाँ पे नीले का प्रयोग नहीं करना है और इरेजर का भी प्रयोग नहीं करना है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपको बताया गया, गलत उत्तर के लिए आपको 2 2 का 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। और यहाँ पर दिया है द्वितीय प्रश्न पत्र हेतु अभ्यर्थी के द्वारा चुने गए विषय में किसी भी स्थिति में परिवर्तन संभव नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। फिलहाल मैंने आपको यहाँ पे लिंक नहीं बताया था, हो सकता आपने मेरा पुराना वीडियो ना देखा हो, तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से डाउनलोड किया जाएगा। आपको BU झांसी टाइप करना है, जैसे BU झांसी टाइप करेंगे, या फिर आपको लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले नंबर मिलेगा उत्तर प्रदेश BEd JEE 2023 वेबसाइट, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। आप User ID पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। User ID पासवर्ड अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप ईमेल ID में सर्च कर सकते हैं, मैसेज बॉक्स में देख सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और अगर आप अभी हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हिंदी रीजनिंग कई सब्जेक्ट हमने जो है यूट्यूब के माध्यम से कराए हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।